Good morning. Question number 20. From the following balance of Anand, prepare trading and profit and loss account and balance it as at 31st March 2019. Credit balance, debit balance. Credit balance, capital 3,60,000. Creditor 87,200. Bills payable 25,270. Sales 7,81,820. Bad debts recovered 1,750. Loan 1,20,000. Debit balance, debtor 38,850. Salaries 40,000. Discount 10,000. Postage 2,730. Bad debts 2,870. Interest 12,950. Insurance 4,170. Machinery 1,00,000. Opening stock 99,450. Purchases 6,20,920. Wages 43,000. Building 2,37,800. Selling expenses 1,750. Fixture and fitting 1,61,550. ये क्वेश्चन है और इससे हम लोगों को बनाना है ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट. क्वेश्चन नंबर 20. अब क्वेश्चन नंबर 20 के लिए सबसे पहले हम लोग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर्मेट बनाएंगे. डेबिट क्रेडिट फॉर द ईयर एंडिंग. ट्रेडिंग अकाउंट में सभी डायरेक्ट एक्सपेंसेस आएगा जो कि हम अपने वीडियो में ऑलरेडी आप लोगों को बता चुके हैं. तो टू ओपनिंग स्टॉक 99,450. टू परचेजेस 6,20,920. टू वेजेस 43,000. इसके अपोजिट में बाई सेल्स 7,81,820 और क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में दिया हुआ था 1,43,000. इसको यहाँ ले लिए. अब इस साइड का टोटल से इस टोटल को माइनस किए. टू ग्रॉस प्रॉफिट सीडी 1,61,450. ग्रॉस प्रॉफिट सीडी कैरिड डाउन को नीचे लेके आएंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन बीडी 1,61,450. देन टू सैलरीज. ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आइटम है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जितना भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है उन सभी को लिया जाता है. टू डिस्काउंट अलाउड. टू पोस्टेज. टू बैड डेट्स. टू इंटरेस्ट. पॉइंट टू बी नोटेड, अगर इंटरेस्ट के साथ में रिसीव वर्ड दिया हुआ है तब ये क्रेडिट में आएगा, लेकिन अगर रिसीव वर्ड नहीं दिया है तो ये डेबिट में आएगा. टू इंश्योरेंस. टू सेलिंग एक्सपेंसेस. क्रेडिट में एक ही आइटम है बाय बैड डेट्स रिकवर्ड. तो ग्रॉस प्रॉफिट में बैड डेट्स रिकवर्ड को टोटल किए 1,63,200, उससे माइनस किए इन सभी को जोड़ के मेरा आंसर आया 88,730. टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल. देन अब बैलेंस शीट बनाएंगे. बैलेंस शीट एज एट 31st मार्च, क्योंकि बैलेंस शीट स्टेटमेंट होता है. अकॉर्डिंग टू दिस कैपिटल एंड लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट. देन कैपिटल है 3,60,000, उसमें प्लस करेंगे नेट प्रॉफिट 88,730. बाहर लिखेंगे 4,48,730. क्रेडिटर्स लाइबिलिटीज़ है, बिल्स पेबल लाइबिलिटीज़, लोन लाइबिलिटीज़, ये आउटसाइडर लाइबिलिटीज़ है. देन एसेट साइड डेटर, मशीनरी, बिल्डिंग, फिक्स्चर एंड फिटिंग, क्लोजिंग स्टॉक. अब दोनों को टोटल करते हैं. इस साइड का टोटल 6,81,200 हो रहा है और इस साइड का भी टोटल 6,81,200 हो रहा है. यानी कि बैलेंस शीट में पुट किया हुआ ईच एंड एवरी आइटम सही है, जिससे मेरा बैलेंस शीट दोनों साइड टैली कर रहे हैं. थैंक यू.